एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों, जो आप सभी ने थंबनेल में पढ़ा है वो एकदम सही पढ़ा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली से डाइट यानी डीएलएड करने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, क्योंकि आप में से काफ़ी साथियों की ये कमेंट आ रही थी कि सर जो एज क्राइटेरिया है डीएलएड में एडमिशन लेने का वो क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बस आपसे एक ही गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस, ताकि भविष्य में आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक प्रोस्पेक्टस जो है 2022 का लिया हुआ है, और आप स्क्रीन पर अगर इसमें देखेंगे तो एक लाइन जो है वो आपको देखने को मिलेगी प्यारे दोस्तों, और वो लाइन आपको देखने को मिलेगी पेज नंबर 21 पर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये है पेज नंबर 21 2022 के प्रोस्पेक्टस का। अब इस 2022 के प्रोस्पेक्टस में इन्होंने क्या बात कही थी, उस बात को आपको ध्यान में देखना है। इस पेज पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आपको बताया गया है एज लिमिट के बारे में। अब इसमें क्या की गई है, इसमें क्या बताया गया है, द मैक्सिमम एज यानी कि ज्यादा से ज्यादा एज जो है ना वो शुड नॉट बी मोर देन 24 ईयर एज ऑन 30 सितंबर 2022। तो यानी कि आपकी जो एज है ना वो 2022 की बात कर रहा हूं, 2022 वाले की, तो उसमें इन्होंने ये बात कही थी कि आपकी एज सितंबर 30, 2022 को 24 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या मतलब होगा, तो अब 2023 में आएंगे तो 2023 यहां पर जो है वो हो जाएगा, और ऑलमोस्ट अब आपका क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया यही रहने वाला है। कुल मिलाकर कहानी यही है कि आपकी भी एज जो है ना वो 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये इनका कहना है। तो भाई आपकी भी एज अगर ज्यादा हो रही है, मान लीजिए आपकी 26 है या 25 है, ठीक है, तो फिर भी आप एक बार फॉर्म जरूर ट्राई कीजिएगा, भरने का कोई चार्ज नहीं होगा 2023 में जब अगर आप भरने जा रहे हो तो, ठीक है, लेकिन आपका भरा नहीं जाएगा, एज ओवर वो दिखा देता है, ठीक है। तो आपको इसका सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन आप में से कुछ साथी जो हैं वो होंगे रिजर्व कैटेगरी के, तो देखिए यहां पर है उनको जो है 5 साल का क्या है रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है, क्या मिला हुआ है, देखिए दोबारा मैं कर देता हूं इसे, देखिए 5 ईयर रिलैक्सेशन ऑफ इज इन अपर लिमिट इज अलाउ फॉर कैंडिडेट। कौन से कैंडिडेट के लिए अलाउ होगा, जो कैंडिडेट क्या है हमारे, जो जो कैंडिडेट हमारे एससी बिलोंग एनी अप्लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो 5 साल का किसको मिल रहा है, आप शेड्यूल कास्ट हैं या आप एसटी हैं या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, ओनली सब्जेक्ट टू सबमिस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो भाई जिनका भी रिजर्वेशन चलता है उस बेस पर आपको 5 साल का जो है यहाँ पर आपको कैंडिडेट के लिए छूट दी जा रही है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट हैं हमारे रिजर्व कैटेगरी से उनके लिए 5 है, तो आप ये सोच सकते हैं लगभग 24 और 5 साल का आपका रिजर्वेशन जो भी है 24 और 5 आपके हो जाते हैं 29, ठीक है, तो आप लगभग इस तक भर सकते हैं। तो ये ईयर रिलैक्सेशन है, आप खुद पढ़ सकते हैं पेज नंबर 21 पर ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये आपका डाउट था, होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो है जो हमारा कोर्स है उसमें आप एनरोल हो सकते हैं, जहाँ पर हम आपको क्या है पीडीएफ्स और आपको वीडियो क्लासेस जो है वो हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो भी आपको नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर हमें व्हाट्सअप कर सारी इंक्वायरी ले लेनी है। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट एवं सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स के लिए। तो ये आज इन्फॉर्मेशन दी गई है एज पर 2022 प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, और जैसे ही 2023 का आएगा उस समय भी हम आपको दे देंगे, लेकिन इसी से आइडिया आपको लग जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।